नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है व्रत में खाने वाले दही आलू। आप इसे दही आलू की सब्जी भी बोल सकते हो या आलू का सूप भी बोल सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे तो आप इसे पूड़ी के साथ भी खा सकते हो। जिसके लिए मैंने लगभग 4 आलू मीडियम साइज के इसे उबाल लिया है, उसे मैश कर लिया। थोड़े बड़े टुकड़े भी आप इसमें रख सकते हो। और 1 कटोरी फ्रेश दही लिया हो। चाहे तो आप हल्का सा खट्टा भी ले सकते हो, इसमें फ्रेश दही भी अच्छा लगता है और हल्का सा खट्टा भी अच्छा लगता है। और लगभग 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने इसे लच्छों में काट लिया है, तो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा तड़के में डालूंगी। 1 हरी मिर्च ली है, तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। तड़के के लिए मूंगफली का तेल, चाहे तो आप घी में भी तड़का लगा सकते हो। 1 चम्मच जीरा है तड़के के लिए। और लगभग 5 से 6 काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो शुरू करते हैं व्रत में खाने वाले दही आलू बनाना। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस पे गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें मूंगफली का तेल डाल दूंगी। तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें जीरा डालती हूँ। जीरा अच्छे से क्रैकल हो रहा है। हरी मिर्च को बस मैं इस तरह से 2 टुकड़े करके डाल रही हूँ। और साथ ही मैं अदरक जो मैंने इसे लच्छे में काटे हुए हैं वो भी डाल दूंगी। थोड़े से गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। जीरा अच्छे से क्रैकर हो गया है। और साथ ही अब मैं इसमें ये मैश किए हुए आलू डाल दूंगी। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। जैसे व्रत में हम खिचड़ी वगैरह तो बनाते ही हैं साबूदाने की, लेकिन इसमें दही आलू से बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है। तो अच्छे से मिक्स कर दूंगी, हल्का सा भून भी लूंगी। साथ ही आप इसे एक तरह से आलू का सूप भी बोल सकते हो। आप एक बड़ा कटोरी भर के इसे खा लेते हो तो काफी एनर्जी मिलती है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, हल्का सा भून भी जाएगा आलू। ये देखिए, आलू को मैंने 2 मिनट भून लिया। देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी और गैस की आंच अभी बढ़ा दी है मैंने, और पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, आप चाहे तो इसे पतला भी कर सकते हो ज़्यादा, लेकिन मैं ना ज़्यादा पतला बनाऊंगी और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जिस तरह हम नॉर्मल एक सब्जी की ग्रेवी रखते हैं, तो जैसे अभी पानी डाला है हमने, आप देख सकते हो कितना अच्छा गाढ़ा आ गया, थिकनेस आ गई है ये। तो अभी उबाल आना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी इसमें। और बहुत जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है, आप फुल आंच पे ही फटाफट उबाल सकते हो। ये देखिए, पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स भी कर दिया। आप देख सकते हो मैश किया हुआ है और कुछ कुछ आलू के टुकड़े भी हैं जो खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं इसमें उबाल आने दूंगी और नमक भी डाल देती हूँ मैं इसमें, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी ऊपर से डालूंगी। और बस अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। ढक देते हैं ताकि अच्छे से जल्दी से उबल जाए। दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने पानी डाला था आलू में और ढक करके उबाला। ये देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। ये देखिए, अभी ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, क्योंकि मैंने इसे सूप भी बोला है, तो आप इसे पतला भी और रख सकते हो। लेकिन अभी जितना ये पतला दिख रहा है, तो जैसे ठंडा होता है तो गाढ़ा भी हो जाता है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें दही डालूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी दही डालें तो फट भी सकता है, तो अब मैं इसमें दही डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करके देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ऊपर से हमने बची हुई काली मिर्च डाल दूंगी और अदरक के लच्छे। और ये हमारे दही वाले आलू, ये आलू की सब्जी, ये आलू का रायता, ये आलू का सूप बन के तैयार है खाने के लिए। तो मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म व्रत वाले दही आलू बन के तैयार है खाने के लिए।
तो आप इसे सिंगाड़े की पूरी के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे मैंने बताया कि चाहे तो आप इसे रायते के रूप में खा सकते हो या एक सूप की तरह भी खा सकते हो। एक बाउल खाने में भी आपको काफ़ी एनर्जी देता है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि दही वाले आलू कैसे लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।